आईएसआई के ऑफिसर को गोलियां मारकर शहीद करने की इत्तलात जो है वो भी इस वक्त मौसूल हो रही है। पुलिस के मुताबिक जो जांबहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस राय का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे, और उसने कहा इसराइल का जो भी शत्रु है ना कहीं पे भी, वो दुनिया में कहीं पे सेफ नहीं है। अब देखिए कैसा चमत्कार हो रहा रोहित, हमारे शत्रु भी कहीं पे सेफ नहीं है, अच्छी बात है। कुछ बड़ी तश्वीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। आईएसआई के ऑफिसर को गोलियां मारकर शहीद करने की इत्तलात जो हैं वो भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इसमें खुफिया इदारे के दो अफसरान, जाहिर बात है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर भी हमारे खुफिया इदारों के जो अफसरान हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये दो अफसर जो हैं ये शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जांबहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस राय का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। दोनों अफसरान एक होटल पर खाना खा रहे थे जब इन दोनों अफसरान को निशाना बनाया गया। एडिशनल आईजी पुलिस शहजाद सुल्तान का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई है, मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने होटल की पार्किंग में फायर की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एक था जो हमले के बाद अपने मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुखबर जो है, इत्तलात ये आ रही है, जो समझ आ रही है कि उसने इन दो अफसरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मुखबरों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मुखबर जो है वो आगे जाके दहशतगर्दों में पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब या तो वो कभी कभी डबल एजेंट भी बन सकता है। तो जो मुखबर है उसने अफसरों के साथ चाय पी और पार्किंग में आकर उन्हीं अफसरान को इस मुखबर ने कत्ल कर दिया। लेकिन यहां पर अब बताया जा रहा है कि आईएसआई मुल्तान के जरी और बहादुर मारखोर जो है सीनियर इंटेलिजेंस अफसर काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट नवीद जो है उन्हें टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद किया गया, और इस हवाले से बहुत सी चीजें आ रही हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो खुफिया इदारे से भी था, और खुफिया इदारा जो है उसने इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें सामने आ रही। डेप्यूटी डायरेक्टर मुल्तान जो के आईएसआई के थे नवीद सादिक और उनके इंस्पेक्टर नजीब भट्ट को गोली मार दी गई। दुखद है, मैं मानता हूं कि किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और गलत है, लेकिन इस पर भी ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे। आईएसआई जो काम करती है इन आतंकवादियों को, इन्होंने ही तो ट्रेनिंग दी आईएसआई ने, चाहे तालिबान हो या टीटीपी हो, सबको आईएसआई ने दी, इनको हथियार दिए, अब वो आप ही को मार रहे हैं, तो आप इंडिया को ब्लेम करके क्यों इस कहानी को रोकना चाह रहे हैं? हर बार सच्चाई उजागर होने से डरते हैं तो इंडिया का नाम ले लेते हैं, आपकी बार फिर से इंडिया का नाम लिया गया है। सर रोहित भाई, ये जो कहावत है, कहते हैं कर्मा कम्स बैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शिकारी का ही शिकार हो रहा है और उसके ही क्षेत्र में हो रहा है, शिकारी का शिकार हो रहा उसके ही क्षेत्र में हो रहा, कर्मा कम्स बैक। देखिए जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा तुर्की के, ग्लोबल डोमिनेंस के, ग्लोबल स्टैचर के, वहां आज क्या हो रहा है, आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। ये IC-814 के दो हाईजैकर इन्होंने छोड़े थे, सुना उनको भी बड़े किसी ने बड़े हैरत अंगेज तरीके में किसी ने गोली मार दी। अब देखिए, अब आपके कर्म कांड ऐसे तो दुश्मन तो आपके हो ही जाते हैं ना, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट आजकल मैं एक चीज जरूर जानता हूँ, भारत के जितने शत्रु है, एक टाइम मैंने एक इंटरव्यू देखा था मोसाड के चीफ का, तो उसने बोला वर्ल्ड टेल्स यू आर अ किलिंग मशीन, तो उसने बोला था बोला वी हैव वर्क्ड वेरी हार्ड टू बिल्ड दैट रेपुटेशन, और उसने कहा इजराइल का जो भी शत्रु है ना कहीं पे भी, वो दुनिया में कहीं पे सेफ नहीं है। अब देखिए कैसा चमत्कार हो रहा रोहित, हमारे शत्रु भी कहीं पे सेफ नहीं है, अच्छी बात। हम तो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट में जो भी हमें ठीक लगेगा हम करेंगे, और जहां तक इस विषय का बात है, देखिए हम गांधी का देश है, महात्मा गांधी का देश है, महादेव के भक्त है, हम पूरे अहिंसावादी लोग, हम हिंसा में तो विश्वास करते नहीं रोहित भाई, पर देखिए महादेव की ऐसी कृपा है, आदिशक्ति का ऐसा आशीर्वाद है, माँ काली की ऐसी अनुकंपा है
कि जितने भी हमारे शत्रु शत्रु है ना, ये खुद ही निपट जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है, महामाया का कुछ ऐसा चक्र चलता है, कौन किसका शत्रु बन जाए, किसकी गोली किसको लग जाए, कब लग जाए, कौन किसको मारे, कौन रोग हो जाए, क्या हो जाए, ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। बाकी हमने तो कुछ किया नहीं, और जो हुआ ठीक है, भारत के लिए तो अच्छा ही है। और दूसरी बात है कि आप भारत के लिए सांप पालोगे तो वो सांप आपको भी तो काटेंगे, ये तो विधि का विधान है। हमने कुछ नहीं किया रोहित भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें तो पता भी नहीं, हम तो मतलब। पर एक चीज हमें जरूर अचंभा हो रहा है कि मतलब आईएसआई का शिकार पाकिस्तान में, शिकारी का शिकार उसके उसके बैकयार्ड में। और अब ये देखिए, तहरीके तालिबान को इन्होंने पाला, तहरीके तालिबान इनको काटने को आ रही है, आज भी इनकी हिम्मत नहीं लड़ाई डिक्लेयर कर ले तहरीके तालिबान के, कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, 4,000 लड़ाके तालिबान के खड़े हो गए। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक तो तब होती है ना, दुश्मन जंगल में छुपा पड़ा, तुम्हारा दुश्मन तो तुम्हारे बॉर्डर पर खड़ा है, तुम्हारे रोज लोगों को मार रहा है, तुम किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करोगे। दूसरी बात, आईएसआई ने जितने दुनिया भर में कर्म कांड किए हैं उसका हिसाब कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। और आपको याद है डॉक्टर जयशंकर ने आज ये भी बोला टेररिज्म इज अ इंटरनेशनल फिनोमेना, नार्कोटिक्स, नार्कोटिक डॉलर, ड्रग ट्रेड, फ्लश ट्रेड और हथियारों का धंधा टेररिज्म का लाइफ ब्लड है। और ये सारा कहाँ से होता है? पाकिस्तान से होता है। इस सब में कौन संलग्न है? आईएसआई संलग्न है। अब किसने किसको मारा रोहित भाई, क्यों कैसे मारा, अब भला ये महादेव के भक्तों को कैसे पता, हमें तो पता हो ही नहीं सकता। देखिए हमने तो कुछ किया नहीं, बाकी बाकी प्रकृति का चक्र चलता है और कई बार सुधरने चक्र भी चलता है। अब जो चल जाए, विधि का विधान है, क्या बोल सकते हैं? विधि का विधान है, दुनिया परेशान है, विधि का विधान है, दुनिया परेशान है, क्या बोल सकते रोहित भाई। शत्रुता ना रखो ना, शत्रु कम हो जाए, अच्छी बात है। बाकी हमें कुछ नहीं पता, हमने क्या किया, हम तो कुछ करते ही नहीं। वैसे भी मैं एक बार एक क्रिकेटर साहब के साथ बैठा था पाकिस्तानी चैनल में, कह रहा बालाकोट में आके तो कुछ कौवे मरे थे। मैं कहा ब्रिगेडियर साहब कुछ खास नस्ल के कौवे होंगे जरूर, बड़े स्पेशल ब्रीड के कौवे होंगे, हमें मिराज और जगुआर भेजने पड़े उनको इतने 2000 किलोमीटर अंदर मारने। इंडिया ने बड़े रईस शौक पाल लिए, कौवे मारने के लिए जगुआर भेज देते, मिराज भेज देते, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए इनका इनका ये स्टाइल है डिनाइल करना। बट आज इनकी एक चीज तो सीरियस नोट पे बोलूंगा, आज इनकी नींव हिल गई होगी क्योंकि आईएसआई के डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर का शिकार उनके ही घर में। जैसे वही वाली बात हो गई, जैसे जनरलों ने अपने लिए पाकिस्तान बोल रहा है कि काउंटर टेरर डिपार्टमेंट के हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आईएसआई के हैं, ये खबर सबके सामने आ चुकी है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।